विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा के बैनर तले 2 दिवसीय दर्शन गोष्ठी दीक्षा आयोजन को लेकर दुर्ग आगमन पर शंकराचार्य सरस्वती जी ने पत्रकार वार्ता में चर्चा की। विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा के बैनर तले महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट टोल प्लाजा के पास बाईपास रोड दुर्ग में 2 दिवसीय दर्शन गोष्ठी दीक्षा के आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शंकराचार्य स्वामी श्री निचलानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा धर्म प्रेमियों को अपना उद्बोधन दिया गया। इस मौके पर मंगलवार को पत्रकार वार्ता में शंकराचार्य स्वामी श्री निचलानंद सरस्वती जी महाराज से चर्चा की गई, जिसमें श्री निचलानंद सरस्वती जी महाराज ने विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं उनका जीवन खतरे में, उनका उत्कर्ष नहीं हो सकता, न लौकिक उत्कर्ष न पारलौकिक उत्कर्ष। विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी लाखों वर्षों तक मार्गदर्शन देने की क्षमता सनातन सिद्धांत का है। उत्पत्ति स्थिति संभाव निग्रह अनुग्रह का विज्ञान, लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष परमात्मा की प्राप्ति का विज्ञान, मृत्यु दरता दुख से अतिक्रांत जीवन की अभिव्यक्ति का विज्ञान सनातन सिद्धांत में है। सनातन सिद्धांत को विकृत करने वाले विकृत हो गए, सनातन सिद्धांत को मिटाने विलुप्त करने की भावना वाले विलुप्त हो गए। सनातन सिद्धांत के आधार पर ही सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि का पालन होता है, सृष्टि का संहार होता है। परमात्मा जिस सिद्धांत को मानते हैं वही सनातन सिद्धांत है, वही सनातन धर्म है, इसका कोई बाल बांका कर नहीं सकता। ईसा मसीह ने शरीर कहाँ छोड़ा था मान? उनको फांसी की सजा दी गई थी, लोगों ने सोचा कि ऊपर लटका दिया, मर जाएंगे, भग गए। ईसा मसीह जीवित निकले, पैदल चलते 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 भारत में आए, जम्मू में आज भी ईसा मसीह की समाधि। वो स्वयं सनातनी थे या नहीं, हिंदू धर्म के दास्तानी थे या नहीं? ये मतदान में ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर प्रश्न चिन्ह लगे रहते हैं, तो आपकी राय में क्या 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 मतदान में ईवीएम या बैलेट पेपर? मतदान की प्रथा ही भारत के प्रतिकूल है, चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल असंगत है, अराजक तत्वों को पालिए, फिर धन का अपव्यय कीजिए, फिर अगर MLA MP हो जाए उसके बाद मनमाना कीजिए। वर्तमान चुनाव की प्रक्रिया से राष्ट्र का उत्कर्ष हो ही नहीं सकता, इसलिए जो सनातन परंपरा है, एक बार सुन लीजिए। लोग समझते हैं कि राजतंत्र प्रजातंत्र का विरोधी था, लेकिन महाभारत में लिखा है जब राजतंत्र में राजा होते हैं 4 शिक्षाविद ब्राह्मण होना चाहिए मंत्रिमंडल में, 8 रक्षाविद क्षत्रिय होने चाहिए, 21 अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ वैश्य होना चाहिए, 3 कुटीर उद्योग लघु उद्योग सेवा और श्रम के प्रकल्प क्रियान्वित करने वाले शूद्र हों, 1 सांस्कृतिक मंत्री हों, 7 कैबिनेट मंत्री हों। जिनको राजतंत्र कहते हैं उसी में प्रजातंत्र सम्मिलता, जिसको आज प्रजातंत्र कहते हैं उसमें उन्माद तंत्र है। बलता गरीबी पालते हैं राजनेता, लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियन तंत्र को। तालिबान के शासन काल में 4 क्रिश्चियन मुसलमानों को तालिबान क्रिश्चियन बनाने आए, 4 अमृत कलश जहाँ जहाँ रखे गए गुरु जी के द्वारा, उन स्थलों में कुंभ मनाया गया। कुंभ माने धरा, अमृत कलश का नाम है कुंभ। यहाँ कुंभ तो नहीं, कुंभकल्प हमने कहा था, कहिए कुंभ तो जहाँ प्रसिद्ध है साक्ष सम्मत वही होना चाहिए, ये कुंभकल्प कह सकते हैं, कुंभ तो नहीं, लेकिन एक रूढ़ हो गया है। कहीं पर्व त्यौहार में अधिक से अधिक व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल संविधान की सीमा में कह सकता हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मन में भले का झंडा भी नहीं ले सकती है, आपकी अपनी मान्यता है, ठीक से जानकारी रखें। राम जी संत को परहेज है कि अयोध्या जाते रहते हैं, अभी अभी हमारे पास सूचना आई थी अपने साथ एक व्यक्ति को चाहें तो लेकर आ सकते हैं। मोदी जी मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं, हमें 40 फीट नीचे बैठ के ताली बजाता, यही आप चाहते थे क्या? जितने संत बैठे थे वो 40 फीट नीचे बैठे थे, एक भी संत का नाम भी नहीं लिया गया, अमिताभ बच्चन इत्यादि कलाकार का भी नाम नहीं लिया गया। मैं जो कदम उठाता हूँ सोच समझ के उठाता हूँ, राष्ट्र के हित में उठाता हूँ, तो राम जी से द्वेष है नहीं, मोदी जी से द्वेष है नहीं, लेकिन वहाँ जाना सर्वथा पद के
देर था। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।